ऑफिशियली गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ चंदन कुमार, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के सेकंड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट पढ़ने जा रहे हैं। इनसे पहले भी मैं इन पर एक लेक्चर ले चुका हूँ और उनकी कुछ टॉपिक्स को मैंने डिस्कस किया था। आज हम लोग कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। पहला टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। सेकेंड टॉपिक है हमारा डोमिनेंस स्टेट। थर्ड टॉपिक है हमारा न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेट्स। और फोर्थ टॉपिक से हमारा मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। और फिफ्थ टॉपिक से हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। इनमें से मैं तीन टॉपिक्स को डिस्क्राइब कर चुका था, मैं एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन इनको मैं बता चुका था, डोमिनेंस स्टेट इनको भी मैं पढ़ा चुका था, और न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेट ये भी मैं पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुका था। यदि आप ये वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक दे दूंगा, आप लिंक के थ्रू जाके ये वीडियो देख सकते हैं। और एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, डोमिनेंस स्टेट्स एंड न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स को अच्छे तरीके से आप जान सकते हैं। ओके गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस टाइप का जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो उनका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, ताकि आपको अपनी पढ़ाई में हेल्प कर सके। ओके गाइस, तो चलिए आज का हम लोग अपने टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। हमारा जो टॉपिक्स होने वाला है आज का है वो मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल्स। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल्स जो थे दिया गया था जिन साइंटिस्ट के द्वारा, उनका पूरा नाम था, वो एक रशियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम डिमिट्री मेंडेलीव था, और उन्होंने ये टेबल को 1869 टू 1872 एडी में डेवलप किए थे। ओके, और देखिए आपको मैंने एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन बताया था, डोमिनेंस स्टेट बताया था, और न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स बताया था। उनमें मैंने एक चीज आपको कॉमन बताया था क्या, कि जो एलिमेंट्स का जो खोज हो रही थी वो एलिमेंट्स का खोज किस बेसिस पे हो रहा था, उनका एटॉमिक मास पे हो रहा था। जो भी एलिमेंट्स खोज किए गए थे वो सारे का एटॉमिक मास के अनुसार उनको क्या किया गया था, अरेंज किया गया था, चाहे न्यू लॉज ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था। न्यूलैंड्स जी भी यही बताए थे कि जो क्या एलिमेंट्स है वो अपने एट्थ एलिमेंट जो है वो क्या करता है, जो फर्स्ट एलिमेंट था उनका कैरेक्टरिस्टिक्स को फिर से रिपीट करता है। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, जो एटॉमिक मास था उनका, जो आउटर लेयर में जो भी नंबर हुआ करते थे वो क्या होते थे, सेम हुआ करते थे। इस टाइप से मैंने बताया था डोमिनेंस स्टेट, यानी कि तीन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास को हम लोग क्या करेंगे, जब दो एलिमेंट्स का फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स का एटॉमिक मास को हम लोग ऐड करेंगे तो मीन एवरेज होगा, मीन होगा या फिर एवरेज होगा किनके एटॉमिक मास के, जो बीच वाले जो नंबर हैं, बीच वाले जो एलिमेंट्स हैं जो सेकंड में हैं उनके एटॉमिक मास के एवरेज होंगे। तो ये सब मैं बताया था। तो मेंडेलीव्स जो थे उन्होंने भी शुरू में तो एटॉमिक मास पर ही रिसर्च किया, और उनके बाद धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अपने जो रिसर्च है उनको आगे बढ़ाते हुए इन्होंने जो है केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को अपना बेसिस बनाया, और इस बेसिस पर एलिमेंट्स का उन्होंने खोज करना स्टार्ट किया, और इस बेसिस पर उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाना स्टार्ट किया। पहले एटॉमिक मासेस था, एटॉमिक मास के बाद मेंडेलीव जी आए, तो उन्होंने केमिकल खोज करना चालू कर दिया, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, और उनके द्वारा और उनके एटॉमिक मास के द्वारा उनको क्या करने लगे, अरेंज करने लगे। ओके गाइस, ओके देखिए, जैसे द मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास ऑफ हाइब्रिड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, डेंसिटीज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर हाइब्रिड हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स। देखिए ये जो खोज कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे एलिमेंट्स को किस बेसिस पे कर रहे थे, कि कोई भी एलिमेंट्स है उनका बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, मेल्टिंग पॉइंट्स क्या है, डेंसिटीज उस एलिमेंट्स का क्या है, उनका हाइड्राइड फॉर्म्स क्या है, जब हाइड्रोजन से वो रिएक्ट करेगा तो उनका फॉर्म क्या होगा, ऑक्साइड फॉर्म्स क्या है, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उनका कौन से फॉर्म्स होते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है हाइड्राइड्स का और ऑक्साइड्स का, इस बेसिस पे उन्होंने केमिकल्स एलिमेंट्स जो है उनको वो रिसर्च खोजना चालू किए या फिर अरेंज करना चालू किए, जिनको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक टेबल्स। ओके गाइस, द एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर ए डेफिनेट इंटरवल। और इन्होंने ये भी देखा क्या, जो एलिमेंट्स हैं उनका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या करने लगता है, कुछ टाइम इंटरवल के बाद या फिर कुछ डेफिनेट इंटरवल के बाद वो क्या करने लगता है, फिर से रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। जिस प्रकार से आपको न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स ने दिया था, उन्होंने भी क्या बताया था, जो एलिमेंट्स है उनका जो है
आठवां जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होता है, आठवां एलिमेंट जो एट एलिमेंट होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक दोनों के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेम मेंडलीफ जी भी यहाँ पे यही पाते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है कुछ टाइम के बाद वो क्या करने लगते हैं, रिपीट करने लगते हैं। इन्होंने भी ये बताया अपने रिसर्च में। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस के थ्रू हम लोग उनका फंक्शंस को देखते हैं। मेंडलीफ जी होते हैं वर्टिकल कॉलम्स, अपने पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किए थे किस टाइप से, पीरियोडिक टेबल बनाया था और उन्होंने जो वर्टिकल कॉलम्स है उनको उन्होंने क्या बोल दिया था, ग्रुप बोल दिया था। वर्टिकल किनको बोलते हैं हम लोग, जो परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री होता है, जो ऊपर से नीचे की इस टाइप का जो लाइन होगा, जो इस टाइप के ग्रुप होंगे वो क्या कहलाएंगे, ग्रुप कहलाएंगे जी। और जो हॉरिजॉन्टल गया होगा सीधा स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस में वो क्या कहलाएगा, हमारा पीरियड कहलाएगा, पी कहलाएगा। ओके गाइस, जो वर्टिकल होगा वो क्या कहलाएगा, ग्रुप। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा जो एक्स एक्सिस पर होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा पीरियड कहलाएगा। ओके गाइस, आगे चलिए हम देखते हैं। आगे देखिए हमारा ग्रुप है और क्या कहता हूँ पीरियड है। तो देखिए टोटल इन्होंने कितने ग्रुप्स लिए थे, टोटल ग्रुप्स इन्होंने लिए कितने, एट ग्रुप लिए। टोटल कितने ग्रुप लिए इन्होंने, एट ग्रुप लिए। और पीरियड टोटल इन्होंने कितने लिए, टोटल 12 पीरियड लिए। ओके, और पहला ग्रुप में इन्होंने किनको रखा, हाइड्रोजन को रखा। और आठवां ग्रुप में इन्होंने क्या किनको रखा, एफी क्या होता है, आयरन होता है, कोबाल्ट निकेल और कॉपर इनको रखा। और इस प्रकार से इन्होंने टोटल 8 ग्रुप लिए और 12 पीरियड्स लिए अपने में। और हाइड्रोजन जो है उनको इन्होंने फर्स्ट ग्रुप में रखा, क्योंकि हाइड्रोजन को लेके बहुत सारे क्या कहते हैं कंट्रोवर्सी है, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वो देखेंगे। ओके गाइस, तो आपको ये पीरियोडिक टेबल, और देखिए एक पीरियोडिक टेबल में आपको ये भी देखना है कि पहले जो लिखा जाता था किस प्रकार से लिखा जा रहा है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, जस्ट वेट गाइस, पहले जो एलिमेंट से लिखा जाता था वो किस प्रकार से, आर स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑफ टू है और ओ है, यानी कि जो हम लोग पहले जो नंबर लिखते थे, जो आज हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे H2O लिखते हैं, तो H2 कैसे लिखते हैं हम लोग, नीचे लिखते हैं, पहले लिखते हैं तो पहले कैसे लिखते हैं, H2O हम लोग H लिखते हैं और 2 को कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ऊपर लिखते हैं, H 2 ऊपर चला जाता और O, इस प्रकार से लिखा जाता था किनमें, मेंडलीफ्स पीरियोडिक टेबल में। लेकिन अभी के टाइम पे कैसा लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है, और ये अभी क्या है, हमारा गलत है, लेकिन मेंडलीफ्स पीरियोडिक टेबल में इस प्रकार से लिखा जा रहा था। ओके गाइस, तो चलिए जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स ऐसा होता है, अभी आपको मैंने देखा है जनरल फॉर्मूला क्या होता था कंपाउंड्स का, जैसे ऊपर रहता था कोई भी कंपोनेंट्स R2O3, लेकिन अभी क्या लिखा जाता है R2O R2O3 etc, कोई भी जो मेंडलीफ्स पीरियोडिक टेबल्स के बाद जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में जो सुधार किया गया है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन मेंडलीफ्स में क्या लिखा जाता था, अपर पार्ट में लिखा जाता था, लेकिन अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या लिखा जाता है, नीचे लोअर पार्ट में लिखा जाता है कोई भी नंबर सिस्टम को, न्यूमेरिकल पार्ट्स को। ओके गाइस, मेरिट्स ऑफ मेंडलीफ्स पीरियोडिक टेबल्स को देखते हैं हम लोग, मेरिट्स क्या क्या थे। देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, मेरिट्स इन्होंने एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स वेयर रिवाइज्ड एज टू गिव देम प्रॉपर प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल्स इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रॉपर्टीज। देखिए पहला जो मेरिट्स था इनका क्या था, जो भी एटॉमिक मासेस था एलिमेंट्स का उनको इन्होंने क्या क्या रिवाइज करके एक प्रॉपर तरीके से उनको प्लेस करके पीरियोडिक टेबल में जगह दी, और उनके जगह दिया किस प्रकार से, उनके प्रॉपर्टीज के अनुसार उनको जगह दिया गया। जैसे देख लीजिए पहले जो था बेरिलियम, उनका एटॉमिक मास कितना बताया गया था, 14.09, जबकि ओरिजिनल अभी का मास जो है वो कितना था, कितना है, 9.4। और बेरिलियम जो था पहले बोरॉन से आगे था, लेकिन अभी जो है बोरॉन से क्या किया गया, बेरिलियम से वाज प्लेस्ड बिफोर बोरॉन, और बोरॉन जो है और पांचवें स्थान पर बेरिलियम जो है बोरॉन से पहले आता है। ओके, क्योंकि इनका एटॉमिक मास जो है वो पहले ज्यादा बताया गया था, कितना बताया गया था, 14.09, और अभी जो है उनका करंट जो है एटॉमिक मास वो कितना है, 9.4 है। ओके गाइस, तो पहला मेरिट्स क्या है जो मेंडलीफ्स का, मेंडलीफ्स पीरियोडिक टेबल का पहला मेरिट्स ये है कि इन्होंने जो एलिमेंट्स था उनको एक
सही तरीके से अरेंज करके उनका प्रॉपर प्लेस उनको दिया, इनके बेसिस पे, एटॉमिक मास के बेसिस पे। ओके, दूसरा इनका जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का वो क्या था, मेंडेलीव स्किप द वैकेंट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल्स फोर एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड टिल देन। और मेंडेलीव जो थे उन्होंने क्या किया था, अपने जगह अपने पीरियोडिक टेबल में उस जगह को खाली छोड़ दिया था जो उनको लगता था कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिखते थे, लेकिन वो उस वक्त तक कोई भी एलिमेंट्स को डिस्कवर नहीं कर पाया था। जैसे कि आप तो देख लीजिए, कोई भी एलिमेंट्स था उससे पहले यदि आ जाता तो क्या करता था, उसके आगे टीका लगाकर उस एलिमेंट्स का नाम दे दिया करता था। जैसे देखिए बेरिलियम बोरॉन होता है, तो बेरिलियम का खोज नहीं किया गया था, तो इका देखिए बोरॉन था, बोरॉन से पहले क्या था, इस जगह खाली था तो उनको उन्होंने क्या बोल दिया, इका बोरॉन बोल दिया, इका एल्युमिनियम बोल दिया और इका सिलिकॉन बोल दिया। इस प्रकार से उन्होंने जो तीन एलिमेंट्स थे उनके लिए जगह को क्या कर दिया, खाली कर दिया, वैकेंट कर दिया। और बाद में इनका एटॉमिक मासेज जो है इंडिकेट किया गया कितना, 44, 68 और 72 एटॉमिक मासेज जो है उनका इनके द्वारा इंडिकेट किया गया। इन्होंने बताया कि ये जो एलिमेंट्स है इनका बोरॉन जो है, जो भी एलिमेंट्स होगा यहाँ पर उनका एटॉमिक मास क्या होगा, 44 होगा। एका एल्युमिनियम जो है वो जब भी आएगा उनका एटॉमिक मास क्या होगा, 68 होगा। और जब भी इका सिलिकॉन का खोज की जाएगी तो उनका एटॉमिक मास जो है वो कितना होने वाला है, 72 होने वाला है। इस प्रकार से उन्होंने एटॉमिक मास लिखकर उस जगह को वैकेंट रखा। नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो प्रिडिक्टेड, और उन्होंने क्या किया था, उनका प्रॉपर्टीज को भी प्रिडिक्ट किया था। बाद में जब उस एलिमेंट का खोज हुआ तो वो कौन से एलिमेंट्स आए, एस्केंडियम, गैलियम और जर्मेनियम जो है, ये सारे एलिमेंट्स उस जगह को फुलफिल किए। ओके, और इका बोरॉन की जगह पर क्या आ गया, स्कैंडियम आ गया, इका एल्युमिनियम की जगह पर क्या आ गया आपका, गैलियम आ गया, और इका सिलिकॉन की जगह पर क्या आ गया, जर्मेनियम आ गया। ओके गाइस, तो दो प्रॉपर्टीज मैंने बताया, पहला क्या उन्होंने एटॉमिक मास के अच्छे से अरेंज किया, दूसरा एटॉमिक मासेस जो था जो उनको मिला था, जो एटॉमिक मासेस उन्होंने डिस्कवर किया तो उनके बेसिस पर उन्होंने क्या किया था, अपने पीरियोडिक टेबल में प्लेस को वैकेंट छोड़ दिया था ताकि जब वो एलिमेंट्स खोज किया जाएगा तो उनका अरेंजमेंट उस जगह हो सके। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए, तो देख लीजिए जैसे प्रॉपर्टीज, इका एल्युमिनियम पे यहाँ पे दिया गया जो कि गैलियम का खोज हुआ था। देखिए एटॉमिक मास मेंडेलीव के द्वारा कितना बताया गया था, 68 बताया गया था, और एक्चुअल में जो अभी है प्रेजेंट टाइम में वो कितना है, गैलियम का 69.7 है, यानी कि हल्का सा मिस किया वो, उन्होंने कितना 1.7 मिस कर दिया। ओके, डेंसिटी बताया गया था मेंडेलीव के द्वारा कितना, इका एल्युमिनियम का जिसको हम गैलियम बोलते हैं कितना, 5.9, और अभी जो खोज किया गया वो क्या है हमारा, डेंसिटी 5.94 है। ओके, तो 0.04 का एरर है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट जो डिग्री सेल्सियस में बताया गया था एक एल्युमिनियम का क्या लो बताया गया था, जबकि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 30.2 डिग्री सेल्सियस है। ओके, फॉर्मूला फॉर क्लोराइड के लिए उन्होंने क्या बताया था, एक एल्युमिनियम का ECl3 ई क्या होगा, कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, Cl3 होगा। जब गैलियम आया तो गैलियम के लिए क्या हो गया, तो क्या हो गया, GaCl3, ये सही था। और फॉर्मूला फॉर ऑक्साइड इन्होंने बताए थे क्या, E2O3। तो यहाँ पे जब गैलियम का खोज किया गया तो एक्चुअल में अभी जो है ये अभी क्या है, Ga2O3 सेम है जो आपको मेंडेलीव के द्वारा बताया गया था। ओके, नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या बताया था, नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होगा, एम्फोरेट्रिक होगा, और यहाँ भी क्या बताया गया, एम्फोरेट्रिक ऑक्साइड होंगे जो एक्चुअल में वो भी क्या है, एम्फोरेटिक ऑक्साइड्स हैं। ये जो कंपेरिजन था मेंडेलीव्स का और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स का जो उन्होंने बताया तो लगभग वो क्या था हमारा, सही के आसपास ही था, लगभग सही हुआ। ओके गाइस, अभी देखिए तीसरा मेरिट जो है वो क्या है, देयर वाज नो प्लेस रिजर्व फॉर नोवेल गैस इन द मेंडेलीव्स ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। और इनका एक डिसएडवांटेज था क्या, सॉरी गाइस, और इन्होंने क्या किया था, जो नोवेल गैस है उनके लिए मेंडेलीव ने कोई भी प्लेस नहीं दिया था, यानी उनके लिए कोई भी प्लेस खाली नहीं रखे थे। ओके गाइस, ये सारे क्या है, मेरिट्स है। और आपको अपना ब्रेन यूज करना है और ट्राई करना है, क्या आपको सोचना है इनके बारे में, क्या एक क्वेश्चन है, क्लोरीन हैज टू आइसोटोप्स, क्लोरीन के पास जो है कितने आइसोटोप्स है, दो आइसोटोप्स है, क्लोरीन Cl35 और Cl37, दो आइसोटोप्स है, देयर एटॉमिक मासेस आर, उनका जो एटॉमिक मास है वो क्या है, 35 और 37 है, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, उनका केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है, सेम है। तो हियर शुड
please be placed in Mendeleev's periodic table in different places or in the same places. आपको ये बताना है क्या कि Mendeleev's periodic table में ये दो जो क्लोरीन है उनके isotopes क्या हैं? Different है 35 और 37 से atomic mass क्या है? Different है 35 और 37. तो आपको क्या बताना है और उनके जो chemical properties हैं वो क्या है? Same है. यदि आपको Mendeleev's periodic table में इनको रखा जाता है Mendeleev's के द्वारा, तो आपको क्या बताना है कि दोनों एक जगह रखे जाते हैं या दोनों डिफरेंट जगह रखे जाते हैं. क्लियर है? तो एक जगह रखे जाते हैं या डिफरेंट जगह रखे जाते हैं ये आपको बताना है, आपका ब्रेन यूज करना है. इससे आपको मालूम चलेगा कि आपने अभी तक क्या समझा, क्या पढ़ा और मैंने क्या क्या उनके मेरिट्स के बारे में बताया. ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्या है? डिमेरिट्स ऑफ Mendeleev's periodic tables. इनके क्या क्या डिमेरिट्स हैं अब हम लोग ये देख लेते हैं. पहला डिमेरिट्स इनका क्या है? The whole number atomic mass of the elements cobalt and nickel is the same. Therefore, there was no ambiguity regarding their sequence in Mendeleev's periodic tables. देखिए, cobalt और nickel जो है दोनों का जो atomic mass है वो क्या है? Same है. तो simple सी बात हो गया, there was no ambiguity regarding their sequences in Mendeleev's periodic tables. Mendeleev's periodic table में जो है इनके बारे में discuss नहीं किया गया जब दो elements क्या हो जिनका atomic masses same हो. तो ये क्या है आपका एक डिमेरिट्स है Mendeleev's periodic table में. दूसरा क्या, isotopes were discovered long times after Mendeleev's. क्या बोला जा रहा है, जो isotopes है, अभी मैंने आपको बताया isotopes दोनों का क्लोरीन का क्या डिफरेंट है 37, 35. तो यहाँ पे क्या है कि ये दूसरा डिस्कवर क्या है Mendeleev's का, यानी कि डिमेरिट्स क्या है, जो isotopes है उन्होंने Mendeleev's के द्वारा ये खोज नहीं किया गया. Mendeleev's इनको नहीं खोज पाए. Mendeleev's के खोज के बाद बहुत दिनों के बाद क्या isotopes का खोज किया गया, put for periodic table और इसको periodic table में रखा गया. As isotopes have the same chemical properties but different atomic masses. जो isotopes होते हैं उनका जो chemical properties होता है वो क्या होता है? Same होता है, लेकिन उनका जो atomic masses होता है वो क्या है? Different है. A challenge was posed in placing them in Mendeleev's periodic table. और ये जो challenge है Mendeleev's periodic table में इनको कोई भी number को रखने में. और Mendeleev जी जो है इनके बारे में ज़्यादा discuss नहीं की. ये भी क्या है? Demerits है. क्योंकि जो isotopes होते हैं उनका क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन जो उनका एटॉमिक मास है वो क्या है, डिफरेंट है. जो इनके बारे में Mendeleev's ने कभी डिस्कस नहीं किया, जो कि ये भी एक डिमेरिट्स है. ओके, Mendeleev's जी को isotopes के बारे में डिस्कस करना था यदि उस टाइम पे Mendeleev's के मरने के बाद या हो सकता है बहुत टाइम के बाद इनको खोज किया गया isotopes को. ओके, isotopes को आपको याद रखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, isotopes का सेम होगा बट एटॉमिक मास जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा. ओके गाइस, और तीसरा देखिए, तीसरा डिमेरिट जो था वो क्या था? व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास द राइज इन द एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म. देखिए क्या बोला गया है कि तीसरा डिमेरिट्स क्या है Mendeleev's periodic tables का, ये है कि जब हम लोग क्या करते हैं कोई भी एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के अंडर अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उनको क्या करते हैं, सजाते हैं, तो क्या होता है जो एटॉमिक मास है एलिमेंट्स का वो क्या है, प्रॉपर नहीं है, यानी कि यूनिफॉर्म नहीं है. जैसे मान लीजिए यूनिफॉर्म किनको बोलेंगे, दो आ गया तो चार आएगा, चार के बाद छः आएगा, छः के बाद आठ आएगा, यानी कि क्या है, प्रॉपर वे में है. तो लेकिन ऐसा नहीं है, एटॉमिक मास जो है वो क्या है, जैसे मान लीजिए किसी का दो आए तो उसके बाद 2.5 भी है किसी का, फिर उसका 3 है तो किसी का 3.2 भी है. तो इस प्रकार से तो बोल सकते हैं प्रॉपर टाइप से ये जो है एटॉमिक मास नहीं है किसी भी एलिमेंट्स का. तो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है एटॉमिक पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करने में या फिर एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने में कौन सी जगह पर होगा. ओके, इट वाज नॉट पॉसिबल देयरफॉर टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू हैवी एलिमेंट्स. तो इसलिए हम लोग ये मालूम नहीं कर सकते जो दो हैवी एलिमेंट्स हैं उनके बीच में कितने एलिमेंट्स और खोजे जा सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से किसी का भी एटॉमिक मास अपीयर नहीं होता यूनिफॉर्म तरीके से, किसी का भी एटॉमिक मास अपीयर नहीं होता. जैसे मान लीजिए क्या 2.2 और 3 के बीच में यदि मान लीजिए यूनिफॉर्म रहता तो हम लोग आराम से बोल देते ना कि एक एलिमेंट और आएगा जो 2.85 का डिफरेंस है, तो क्या बोल देते 2.5 पर एक एलिमेंट और आएगा और वो एलिमेंट का खोज नहीं है. लेकिन वैसा है नहीं, वो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास क्या हो जाता है, 2.1 हो जाता है, 2.2 हो जाता है, 2.5 भी हो जाता है, 2.8 हो गया, 2.9 हो गया, इस प्रकार से होता है. तो यानी कि प्रॉपर यूनिफॉर्म वे में एटॉमिक मास जो है कोई भी एलिमेंट्स का नहीं है, जिनके कारण हम लोग प्रॉपर तरीके से दो एलिमेंट्स के बीच का नाम एलिमेंट्स के बारे में हम लोग नहीं बता सकते कि इनके बीच में कितने एलिमेंट्स होंगे. ओके गाइस,
और नेक्स्ट डिमेरिट जो है हमारा चौथा डिमेरिट क्या है, पोजिशंस ऑफ हाइड्रोजन। जो पोजिशंस ऑफ हाइड्रोजन है इनको प्रॉपर तरीके से नहीं बताया गया। देखिए हाइड्रोजन शोज द सिमिलरिटी विद हाइड्रोजन ग्रुप से, हाइड्रोजन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हाइड्रोजन के कैरेक्टरिस्टिक के जैसा है, मैच करता है उनके साथ, क्लियर, जो कि ग्रुप सेवन में। लेकिन अभी आपको मैंने दिखाया जो मेंडेलिक है, हाइड्रोजन को कहाँ पे रखा उन्होंने, कौन सा पोजीशन दिया, फर्स्ट पोजीशन दिया, फर्स्ट ग्रुप में रखा था। ओके गाइस, फॉर एग्जांपल द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, H2 होता है, व्हाइल द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन इनका भी क्या होता है हमारा F2 होता है, क्लोरीन का क्या होता है F2, क्लोरीन का क्या होता है Cl2 होता है। दोनों का देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, लेकिन जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है वो क्या है, ग्रुप वन में है, और पोजीशन ऑफ फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो कहाँ पर है, ग्रुप सेवन में है। ओके गाइस, देयर इज सिमिलरिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड अल्काइन मेटल्स ग्रुप वन। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो कुछ सिमिलरिटी जो है क्या है, जो अल्काइन मेटल्स है उनके बीच में क्या है सिमिलरिटीज है, और सिमिलरिटीज क्या है, दोनों मेटल्स क्या है ग्रुप फर्स्ट में रहते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन कैसे कम सिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन अल्काइन मेटल्स, देखिए हाइड्रोजन क्या क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, और सोडियम जो है ये भी क्लोरीन से रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म करता है, कंपाउंड फॉर्म करता है NaCl, और जब हाइड्रोजन किनसे क्लोरीन से रिएक्ट करता है ये भी क्या फॉर्म करता है HCl। ओके, तो देखिए Cl जो है Cl का कितने कंपाउंड्स, क्लोरीन का कितने कंपाउंड्स रिएक्ट कर रहा है, वन कंपाउंड्स, और जो अल्कलाइन मेटल है सोडियम उनके साथ में कितने डोनेट हो रहा है वन, तो यानी कि बोल सकते हैं दोनों का प्रॉपर्टी जो है क्या अल्कलाइन मेटल्स और हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज क्या है सेम है, और दोनों क्या करते हैं सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इनके बारे में भी अच्छे से नहीं बताया गया। ओके, हाइड्रोजन का पोजीशन क्या होना चाहिए, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है क्या कहते हैं हाइड्रोजन और अल्काइन मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, इनके बारे में भी डिस्कशन अच्छे से नहीं किया गया या फिर मेंडेलिस जी के द्वारा अच्छे से नहीं बताया गया। ओके, नेक्स्ट जो डिमेरिट्स है वो क्या, देयर इज सिमिलरिटी इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स और हाइड्रोजन अल्काइन मेटल्स सोडियम पोटासियम एंड ईटीसी। ओके, फॉर्म्स विद द क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, देखिए जो भी क्लोरीन के द्वारा कोई भी जो कंपाउंड फॉर्म किया जा रहा है या फिर हाइड्रोजन के द्वारा कोई भी कंपाउंड फॉर्म किया जा रहा है उनमें क्या सिमिलरिटीज है, देख लीजिए जैसे मोलिकुलर फॉर्मूला हाइड्रोजन क्या होता है H2 होता है, और क्लोरीन का फॉर्मूला क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है Cl2 है। कंपाउंड विद मेटल्स, मेटल्स के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है NaH, क्लियर, एक एलिमेंट्स को डोनेट करता है या फिर एक एलिमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, एक्सेप्ट कर रहा है, और दूसरा देखिए क्लोरीन, क्लोरीन भी क्या कर रहा है एक एलिमेंट्स को ही एक्सेप्ट कर पा रहा है क्या NaCl। ओके गाइस, दोनों का देखिए कंपाउंड्स क्या हो गया सेम हो गया, सेम हाइड्रोजन का और क्लोरीन का सेम है। कंपाउंड्स विद नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स कार्बन है, कार्बन के साथ देखिए हाइड्रोजन भी क्या कर रहा है CH4 और क्लोरीन भी क्या है CCl2CL4, तो देखिए दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सेम है, तो सिमिलरिटी इन हाइड्रोजन हैलोजन ग्रुप है। यहाँ से भी हम लोगों को ये किन में डालते हैं, कन्फ्यूजन्स में डालते हैं, तो हम लोग यहाँ भी नहीं बता सकते हैं जो एलिमेंट्स है वो ग्रुप फोर में होगा या फिर ग्रुप फर्स्ट में होगा या फिर ग्रुप सेवन में होगा। तो क्या बताइए, ऑन कंसिडरिंग द अबव प्रॉपर्टीज इट कैन नॉट बी डिसाइडेड वेदर द करेक्ट पोजीशंस ऑफ हाइड्रोजन इज इन द ग्रुप्स ऑफ अल्काइन मेटल्स और इन द ग्रुप ऑफ हैलोजन्स ग्रुप। तो मेंडेलिस जी के द्वारा ये क्लियरली नहीं बताया गया है क्या जो हाइड्रोजन है उनको कौन सा पोजिशन में रखना चाहिए, कौन सा ग्रुप में रखना चाहिए या फर्स्ट ग्रुप में रखना चाहिए जहाँ पर अल्काइन मेटल्स उनका क्या हो रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रहा है, कि दूसरे जगह पे क्या कहता हूँ ग्रुप ऑफ हैलोजन्स में रखना चाहिए, ग्रुप सेवन में रखना चाहिए जहाँ पर क्या होता है हैलोजन्स के साथ हैलोजन्स जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ उनका कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो रहा है। ओके गाइज, ये प्रॉब्लम्स था, तो ये डिमेरिट्स हैं मेंडेलिस पीरियोडिक टेबल्स का, और आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट जो है हमारा वो देख लीजिए क्या है यूज योर ब्रेन, और आपका अपने ब्रेन लगाकर आपको ये देखना है सोचना है थोड़ा घर पे क्या है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बाय रेफरेंस टू द मेंडेलिस पीरियोडिक टेबल्स। मेंडेलिस पीरियोडिक टेबल्स को रेफर करते हुए आपको क्या करना है ऑक्साइड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किन का लिखना है ऑक्साइड का लिखना है, जब Na होगा NaM क्या हो गया सोडियम हो गया सिलिकॉन हो गया और कैल्शियम हो गया Ca और C से कार्बन हो गया रुबेडियम हो गया P प्लेम्बियम हो गया बेरियम हो गया क्लोरीन हो गया SN और कैल्शियम हो गया Ca। तो ये सबको जब ऑक्सीजन सब लोग रिएक्ट करवाएंगे तो कौन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होंगे ये आपको घर पे फॉर्म करना है,
और ट्राई करना है, यदि नहीं होता तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। फिर नेक्स्ट क्या बोला, राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द फ्लोरीन एलिमेंट्स विद हाइड्रोजन। पहले आपको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा लिखना है, अब उनके बाद दूसरा जो है वहाँ पे क्या करना है आपको हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाना है, और मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के ही अनुसार आपको क्या करना है इनको राइट डाउन करना है। ओके गाइज, तो आज के लिए हमारा लेक्चर बस यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग इनको देखिए, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, यदि वीडियो पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि वीडियो आपको पसंद क्यों नहीं आई है, और कहीं पे यदि गलती है तो आपको लगता है कि यहाँ पे गलत है तो आप सुधार होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यहाँ पे सर सुधार कीजिए, या फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर से उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने का कोशिश करूँगा। और चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन भी दबाएं। Okay guys, thank you for joining classes and bye, take care and stay at home and stay safe. Thank you for joining classes once again.